हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वायनाड लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। ये देश के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रियंका जी न कभी डरी हैं, न कभी झुकी हैं, और उस पिता की बेटी हैं जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। उससे दादी इंदिरा गांधी जी की पोती है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रियंका गांधी जी आज वायनाड से लोकसभा के लिए नामांकन भर रही हैं। हम सब देश के कांग्रेस जनों के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं समझता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आदि आबादी का प्रतिनिधित्व है आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। 36 कोम की आवाज बनकर के देश की लोकसभा में गूंजेगी और इस मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगी। आज पुनः शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। वायनाड के लोगों को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रियंका जी को स्वीकार किया और वहां से मन बना लिया है कि प्रियंका जी जीत करके भारी मतों के साथ में लोकसभा में पहुंचेंगी और देश के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगी। पुनः बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।